बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। स्क्रीन जॉब्स की जानब से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हुकूमत पाकिस्तान की जानब से शानदार जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना है, मुकम्मल तरीका मैं आपको बताऊँगा, अपलीकेशन फॉर्म किस तरह डाउनलोड करना है, वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो और डेली जॉब्स की वीडियोस देखना पसंद करते हैं, डेली जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना पसंद करते हो, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस रेड सब्सक्राइबर पर क्लिक करके, और साथ में ये जो बेल का निशान है इसको भी लाजमी से दबा लीजिएगा। इसका ये फ़ायदा होगा कि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो वेलकम बैक फ्रेंड्स। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में इन जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। तो जो इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो आपके सामने स्क्रीन पर ओपन है। सबसे पहले जो वैकेंसी है वो स्टेनो टाइपिस्ट की पोस्ट है, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 25 है। क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं तो एफ ए या इंटरमीडिएट आपकी होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो मिनिमम आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो 80 या 40 वर्ड पर मिनट होने चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा पंजाब के लिए 12 वैकेंसीज है, ओपन मेरिट पर 9 वैकेंसीज हैं, ठीक है। उसके अलावा फीमेल के लिए 1 वैकेंसी है, उसके अलावा मिनोरिटी के लिए 2 वैकेंसीज हैं, ठीक है। सिंध अर्बन एरियाज़ के लिए 3 वैकेंसीज है, ओपन मेरिट पर है, ठीक है। उसके अलावा सिंध रूरल एरियाज़ के लिए 5 वैकेंसीज हैं, वो भी ओपन मेरिट पर। उसके अलावा KPK वालों के लिए 1 वैकेंसी ओपन मेरिट पर, ठीक है। और उसके अलावा बलूचिस्तान के लिए 2 वैकेंसीज हैं। उसके अलावा फाटा और GP वालों के लिए भी 2 वैकेंसीज है ओपन मेरिट पर। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए, और 5 साल की जो है वो आपको जनरल रिलैक्सेशन आपको दी जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा वो जो कवायद जवाबत होंगे उनके मुताबिक होगी। उसके अलावा LDC की पोस्ट है, ठीक है। तो इसमें भी नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है वो 12 है। मैट्रिक होनी चाहिए, विद जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 अल्फाज पर मिनट होने चाहिए, ठीक है। और पंजाब के लिए 4 वैकेंसीज हैं, ओपन मेरिट पर हैं। और उसके अलावा सिंध अर्बन एरियाज़ के लिए 2 वैकेंसीज ओपन मेरिट पर, सिंध रूरल एरियाज़ के लिए 3 वैकेंसीज हैं, बलोचिस्तान के लिए 2 वैकेंसीज है, फाटा और GP वालों के लिए 1 वैकेंसी ओपन मेरिट पर, ठीक है। एज लिमिट की बात कर लेते तो 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। उसके अलावा फोटो स्टेट ऑपरेटर की जॉब DMO, ठीक है। बेसिक स्किल जो वो 4 है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 1 है, प्राइमरी या मिडल पास होना लाजमी है। इस्लामाबाद से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस्लामाबाद या रावलपिंडी वालों के लिए ये जॉब्स हैं, ओपन मेरिट पर जॉब्स हैं, ठीक है। तो 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा फ्रेंड्स, आप बात कर लेते हैं कि आप अप्लाई किस तरह करें। तो अप्लाई करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आपने डिस्क्रिप्शन ओपन करनी है। डिस्क्रिप्शन में आपको इनकी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो वेबसाइट में जाकर मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी वेबसाइट से आपने ऑनलाइन किस तरह अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, जो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो उस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो आप इनकी वेबसाइट पर आ जाओगे, ncbms.edu.pk, ठीक है। ये इनकी वेबसाइट है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपने करना क्या है, ये जो मेन्यू आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ये साइड वाला, ठीक है, ये मेन्यू जो आपको दिखाई दे रहा है सिंपली आपने एक बार इस मेन्यू पर कर देना है क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद ये प्रोजेक्ट का एक आपको आइकॉन दिखाई दे रहा है, सिंपली आपने प्रोजेक्ट के आइकॉन पर देना है क्लिक, ठीक है। तो सिंपली आप जैसे इस पर करोगे क्लिक तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर सिंपली एक ही प्रोजेक्ट जो फिलहाल है, तो जिसकी हम आज जॉब की बात कर रहे थे, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की जानब से जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन सबमिट करने की वो भी यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की। और उसके अलावा जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा इसके जो डिटेल वो देखना चाहते हैं तो ये डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद ये अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करके आप इस पर अप्लाई नाउ कर सकते हैं। तो मैं अप्लाई नाउ के बटन पर कर देता हूँ क्लिक। आप अगर एडवर्टाइजमेंट रीड करना चाहें तो कर सकते हैं, डिटेल रीड करना चाहें तो कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। CNIC नंबर देना है, पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर यहाँ पे दे के आपने रजिस्टर कर लेना। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। उस तरह आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मुकम्मल प्रोसीजर आगे बहुत ही सिंपल सा है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी करके जाइएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।